नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच गुरुवार से मीरपुर में शुरू। सीरीज में 1-0 से आगे चल रही भारतीय टीम की नजर सीरीज जीतने पर, वहीं बांग्लादेश की कोशिश जीत दर्ज कर सीरीज बराबर करने की। भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेली गई 5 मैच की T20 सीरीज का पांचवा और अंतिम मैच ऑस्ट्रेलिया ने 54 रन से जीता। सीरीज 4-1 से रही ऑस्ट्रेलिया के नाम। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की एपिक्स काउंसिल की मीटिंग आज। बैठक में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। हार्दिक पांड्या को बनाया जा सकता है भारतीय T20 टीम का कप्तान, वहीं कोच राहुल द्रविड़ को लेकर भी हो सकता है कोई बड़ा फैसला। और फुटबॉल विश्व कप जीतने के बाद अर्जेंटीना की जीत का जश्न जारी। ओपन बस परेड के दौरान उमड़ी हजारों की भीड़। रोड शो को बीच में रोककर खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया गया। खबरें विस्तार से। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार से मीरपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है और टीम का लक्ष्य दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज जीतना है। वहीं बांग्लादेश की कोशिश रहेगी कि वो अपनी कमियों को दूर कर दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज को बराबरी पर खत्म करे। बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 188 रन से धूल चटाने के बाद अब भारतीय रणबांकुरे मीरपुर टेस्ट में भी अपने इसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए बेताब हैं। हालांकि पहले टेस्ट की तरह दूसरे टेस्ट में भी नियमित कप्तान रोहित शर्मा का साथ नहीं मिलेगा। ऐसे में ओपनिंग का दारोमदार कप्तान केएल राहुल और शुभमन गिल के ऊपर ही एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। वैसे भारत की नजर सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर रहेगी। टीम इंडिया के बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में हैं। चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने पिछले मैच में शतक ठोका था। श्रेयस अय्यर, आर अश्विन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। हालांकि केएल राहुल फॉर्म में नहीं दिखे थे। गेंदबाजी में स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और तेजी में मोहम्मद सिराज से एक बार फिर उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। वैसे भारतीय टीम का बांग्लादेश में टेस्ट रिकॉर्ड बेहद शानदार है। टीम ने अब तक बांग्लादेश में 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 7 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारतीय टीम की नजर 2010 के प्रदर्शन को भी दोहराने की रहेगी, जब टीम ने 2 टेस्ट की सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया था। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो इस टीम ने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में थोड़ा संघर्ष जरूर दिखाया था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से वो काफी नहीं रहा। इस टीम की सबसे बड़ी जरूरत अपनी कंसिस्टेंसी पर काम करने की है, जिससे टीम दूर ही दिख रही है। वैसे अगर टीम को सीरीज बचानी है तो उसे खेल के हर डिपार्टमेंट में खुद को मजबूती के साथ सामने लाना होगा। भारत के लिहाज से ये सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ अगर बांग्लादेश पर क्लीन स्वीप होता है तो यकीनी तौर पर टीम इंडिया को इस बात का फायदा मिलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आज एक अहम एपेक्स काउंसिल की मीटिंग आयोजित होनी है। ये बैठक वर्चुअली आयोजित होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भारतीय T20 टीम का फुल टाइम कप्तान बनाया जा सकता है, वहीं कोच राहुल द्रविड़ को लेकर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। भारतीय टीम का हाल ही में हुए T20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन रहा था। टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हारी थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेली गई 5 मैच की T20 सीरीज का पांचवा और अंतिम मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर 4-1 से कब्जा जमाया। मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 196 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एशले गार्डनर और ग्रेस हैरिस ने शानदार अर्धशतक जमाए। जवाब में भारतीय टीम 142 रन ही बना सकी और ऑस्ट्रेलिया ने 54 रन से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 53 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज का दूसरा मैच ही जीतने में कामयाब रही थी। बात करते हैं आईसीसी रैंकिंग्स की। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम
ताजा जारी टेस्ट रैंकिंग्स में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। बाबर आजम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज के आखिरी टेस्ट में 2 अर्धशतक लगाए थे। अपनी 78 और 54 रन की पारी की बदौलत बाबर ने स्टीवन स्मिथ को पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने ब्रिस्बेन टेस्ट में 92 रन बनाए थे। वे 3 स्थान के फायदे के साथ अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 4th रैंकिंग पर आ गए हैं। उन्होंने अपने करियर में पहली बार 800 रेटिंग अंक का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले वे इस साल जनवरी में 5वें स्थान पर थे। बांग्लादेश के खिलाफ हुए पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन का इनाम भारतीय खिलाड़ियों को रैंकिंग में सुधार के रूप में मिला है। चेतेश्वर पुजारा ने 90 और 102 रन की पारी खेली थी और वे 10 स्थान के फायदे के साथ 16वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं श्रेयस अय्यर 11 स्थान चढ़कर 26वें स्थान पर आ गए हैं। युवा शुभमन गिल को भी 10 स्थान का फायदा हुआ है और वे 54वें स्थान पर आ गए हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में कगिसो रबादा 4 स्थान चढ़कर 3रे स्थान पर आ गए हैं। रबादा ने गाबा टेस्ट की दोनों पारी में 4-4 विकेट लिए थे। पूर्व नंबर 1 गेंदबाज रह चुके रबादा अगस्त में भी 3रे स्थान पर पहुंचे थे। हालांकि इसके बाद उनकी रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली थी। चटगांव टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय स्पिनर्स कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की रैंकिंग में भी सुधार दिखा है। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए कुलदीप यादव ने 8 विकेट लिए थे और वे 19 स्थान के फायदे के साथ 49वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं अक्षर पटेल ने 5 विकेट लिए और वे 10 स्थान के फायदे के साथ 18वें स्थान पर आ गए हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत की है, वहीं भारतीय टीम 2रे स्थान पर बरकरार है। क्रिकेट जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए एक नजर डालते हैं इस क्रिकेट रैप पर। भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार से बांग्लादेश के खिलाफ 2रे टेस्ट मैच में भिड़ेगी। टीम इंडिया के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की नजर इस टेस्ट मैच में बड़े रिकॉर्ड पर होगी। आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में अपने 3000 रन से 11 रन दूर हैं। टेस्ट क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल कर अश्विन दिग्गज कपिल देव, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन, न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली और साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर शॉन पॉलक के क्लब में शामिल हो जाएंगे। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 450 विकेट के आंकड़े से 7 विकेट दूर हैं। दूसरी ओर चेतेश्वर पुजारा 2रे टेस्ट मैच में 16 रन लेते ही टेस्ट क्रिकेट में अपने 8000 रन पूरा कर लेंगे। पुजारा ऐसे करते ही दिग्गज सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और सौरव गांगुली के क्लब में शामिल हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत को 54 रन से हरा दिया। उसकी इस जीत के हीरो रही हीथर ग्राहम, जिन्होंने गजब की गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक ली। उनकी ये हैट्रिक 2 अलग अलग ओवरों में पूरी हुई। हीथर ग्राहम ने 13वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों में 2 विकेट छटके थे, जबकि आखिरी ओवर की पहली गेंद पर जब वो बॉलिंग करने लौटी तो रेणुका सिंह को बोल्ड करते हुए हैट्रिक पूरी कर ली। इसके साथ ही एक गजब संयोग बना। दरअसल इसी ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम पर भारत के ही खिलाफ 4 वर्ष पहले 2018 में मेगन शट ने हैट्रिक ली थी। अब उन्हीं की साथी ने ये कारनामा किया है। सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले भारत के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा जनवरी में यूएई में शुरू होने वाले इंटरनेशनल T20 लीग के उद्घाटन सत्र में दुबई कैपिटल्स के लिए खेलेंगे। उनके साथ भारत के एक और खिलाड़ी यूसुफ पठान भी इस लीग के साथ जुड़ेंगे, जो IL T20 में 6 फ्रेंचाइजी में से एक है। 37 वर्षीय उथप्पा विदेशी T20 लीग में खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले पहले हाई प्रोफाइल भारतीय खिलाड़ियों में से एक हैं। उथप्पा ने 2006 से 2015 तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 46 वनडे और 13 T20 इंटरनेशनल खेले हैं। साथ ही उन्होंने 205 IPL मैच भी खेले हैं। फॉर्म में न होने के कारण भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे अजिंक्य रहाणे का पल्ला आखिरकार चल गया है। रणजी ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी कर रहे अजिंक्य रहाणे ने हैदराबाद के खिलाफ शानदार दोहरा शतक लगाया है। यह उनके फर्स्ट क्लास करियर का 4th दोहरा शतक है। पहले दिन के खेल की समाप्ति तक रहाणे क्रीज पर 136 रन बनाकर नाबाद थे। मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल के साथ 206 रन की बड़ी साझेदारी करने वाले रहाणे ने सरफराज खान के साथ 4th विकेट के लिए 196 रन जोड़े। अच्छी लय में नजर आ रहे रहाणे 261 गेंदों में 204 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी इस जबरदस्त पारी में 26 चौके और 3 छक्के लगाए।
इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रैंडन मैकुलम ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से मिली जीत के बाद टीम के कप्तान बेन स्टोक्स की जमकर तारीफ की। मैकुलम ने कहा कि इस सीरीज के बाद वो और बेहतर होंगे। मैकुलम ने कहा कि बेन स्टोक्स ने मैदान के अंदर और बाहर अपने प्रभाव से टीम में पिछले 1 साल में कई बदलाव किए। उन्होंने कहा कि इसमें कई चीजें हल्के अंदाज में की गई जबकि कई चीजों में काफी सूझबूझ दिखाई गई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 15 से 31 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। हाल के वर्षों में देश में बॉक्सिंग के खेल में काफी विकास देखने को मिला है। विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसी हालिया वैश्विक और मल्टी इवेंट प्रतियोगिताओं में भारत लगातार शीर्ष 5 देशों में शामिल रहा है। भारतीय महिलाओं ने अब तक चैंपियनशिप के 12 संस्करणों में 10 स्वर्ण सहित 39 पदक जीते हैं। पिछली बार जब ये प्रतियोगिता 2018 में भारत में आयोजित की गई थी तब इसमें 62 देशों के 277 मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया था और भारत ने 4 पदक जीतने में सफलता हासिल की थी। और खेल जगत की कुछ और प्रमुख खबरों को जानने के लिए देखते हैं ये स्पोर्ट्स रैप। कतर में आयोजित हुए फुटबॉल विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली मोरक्को की टीम का वतन वापसी पर जोरदार स्वागत किया गया। मोरक्को की टीम को सेमीफाइनल में फ्रांस के हाथों हार मिली थी। हालांकि इस टीम ने विश्व कप में अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। इस विश्व कप में मोरक्को की टीम ने पुर्तगाल, स्पेन और बेल्जियम जैसी दमदार टीमों को शिकस्त दी और खुद को फुटबॉल की दुनिया में एक नया मुकाम दिलाया। अर्जेंटीना को फुटबॉल विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले टीम के कप्तान लियोनेल मेसी पहुंचे अपने गृह नगर रोसारियो। मेसी और एंजेलो डी मारिया को हेलीकॉप्टर ने पहुंचाया उनके घर। इस विश्व कप में मेसी ने अपना मैजिक बिखेरते हुए कुल 7 गोल किए और उन्हें टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी गोल्डन बॉल के अवार्ड से नवाजा गया। लेस्टर सिटी कारबाओ कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने ये कामयाबी मिल्टन केन्स डॉन्स को हराकर हासिल की। लेस्टर ने एमके डॉन्स को 3-0 से हराया। ब्राजीलियन सॉकर लेजेंड पेले एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। पेले को कैंसर है और वो इस बीमारी से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पिछले काफी समय से पेले का अस्पताल में भर्ती होना और अस्पताल से बाहर आने का सिलसिला जारी है। इंग्लैंड के हाथों 3-0 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम लगातार आलोचकों के निशाने पर हैं। पर इस सब के बीच में उन्हें कुछ खिलाड़ियों का समर्थन भी मिल रहा है। तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने कहा है कि बाबर आजम उनके कप्तान हैं और यही टीम आगे जिताएगी और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। BWF ने नई विश्व रैंकिंग जारी कर दी है जिसमें भारतीय शटलर्स को काफी फायदा देखने को मिला है। मंगलवार को जारी रैंकिंग में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष जोड़ी पुरुषों के युगल वर्ग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 5वें स्थान पर पहुंच गई है जबकि HS प्रणॉय ने पुरुषों के एकल वर्ग में शीर्ष 10 खिलाड़ियों में वापसी की है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इस साल शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडियन ओपन सुपर 500 और फ्रेंच ओपन सुपर 750 के रूप में 2 विश्व टूर खिताब जीते। इस जोड़ी ने इसके साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। के जश्न की ब्यूनस आयरिस तो क्या, पूरा अर्जेंटीना फुटबॉल का सिरमौर बनने के खुमार में डूबा हुआ है। लोग मेसी और उनकी पूरी टीम की एक झलक पाने के लिए उतावले हो रहे हैं। कल जब टीम कतर से अपने वतन वापस लौटी तो खिलाड़ियों की विक्ट्री परेड हुई। इस दौरान कुछ फैंस खुद पर काबू नहीं रख पाए और उनकी बस पर ओवरपास से कूद गए। लोग इस दौरान अपने मोबाइल फोन से इस ऐतिहासिक पल को कैद कर रहे थे तभी ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया। इस दौरान एक शख्स खिलाड़ियों के पास बस के ऊपर जा गिरा लेकिन एक और प्रशंसक बस के पिछले हिस्से से टकराकर जमीन पर गिर गया। लोगों की ये दीवानगी और पागलपन देखकर अर्जेंटीना के विश्व विजेताओं को ये ओपन टॉप बस परेड बीच में ही रोकनी पड़ी। सुरक्षा कारणों से निर्धारित 8 घंटे की ये यात्रा बीच में ही रोक दी गई और अर्जेंटीना टीम को हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया गया। पूरा शहर मानो अपना काम काज छोड़कर यहीं जुट गया था। एक अनुमान के मुताबिक यहां 4 मिलियन से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। अर्जेंटीना ने 36 साल के लंबे इंतजार के बाद फुटबॉल विश्व कप अपने नाम किया है। फाइनल में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी। निर्धारित समय तक दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा था जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ था।
अर्जेंटीना के सुपरस्टार लायनल मेसी के करियर का ये पहला विश्व कप खिताब है और मेसी पहले ही कह चुके थे कि ये उनका आखिरी विश्व कप होगा। फुटबॉल की दुनिया का हर बड़ा खिताब जीत चुके हैं लायनल मेसी, लेकिन विश्व कप की जो ट्रॉफी है वो उनकी झोली में अब तक नहीं आई थी और इस बार अर्जेंटीना के विश्व कप जीतने के साथ ही लायनल मेसी का भी जो सपना है विश्व कप जीतने का वो पूरा हुआ है और यही कारण है कि ये जो जश्न है ये अभी लगातार कुछ दिन और जारी रहेगा। और फुटबॉल विश्व का खिताब भले ही अर्जेंटीना ने जीता हो लेकिन एक टीम ऐसी है जिसका ऐतिहासिक प्रदर्शन हमेशा याद रखा जाएगा। मोरक्को की टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी। ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद मोरक्को की टीम घर वापस लौटी तो उनका शानदार स्वागत किया गया। मोरक्को की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम वापस अपने देश लौटी तो उनका गर्म जोशी से स्वागत किया गया। मोरक्को की टीम इतिहास रचते हुए फुटबॉल विश्व कप में चौथे स्थान पर रही थी। मोरक्को ने सबकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर प्रदर्शन करते हुए विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई और अफ्रीका में फुटबॉल के लिए नए मापदंड स्थापित किए। मोरक्को विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी और अरब टीम बनी। मोरक्को के ग्रुप में क्रोएशिया और बेल्जियम जैसी दिग्गज थी लेकिन इसके बावजूद मोरक्को नॉकआउट दौर में पहुंची। ग्रुप स्टेज में मोरक्को ने दुनिया की नंबर दो टीम बेल्जियम को 2-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। नॉकआउट दौर में मोरक्को ने पुर्तगाल और स्पेन जैसी दिग्गजों को मात देकर सबको चौंका दिया। सेमीफाइनल में मोरक्को ने फ्रांस को कड़ी टक्कर दी, हालांकि उन्हें 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। टीम के इस शानदार प्रदर्शन के चलते टीम के प्रशंसक खुशी से झूमते नजर आए। टीम के वापस लौटने पर उनका हीरो की तरह स्वागत किया गया। ये खुशी ऐसे ही नहीं मिली है, ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। विश्व कप में टीम ने अद्वितीय प्रदर्शन किया है। मोरक्को के सभी लोगों की भावना यही है। राष्ट्र टीम के वापस आने से हम बेहद खुश हैं। इस टीम ने हमें गर्व का अनुभव करवाया है। फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचना कोई आम बात नहीं है। ये अरब और अफ्रीकी फुटबॉल के लिए बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ अपने शेरों को देखने आए हैं। इस टीम ने विश्व कप में जो हासिल किया है उसके लिए हम इस टीम और कोच के आभारी हैं। हम उन्हें समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं। उम्मीद है कि वे अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में जीत दर्ज करेंगे। हमें अपनी राष्ट्रीय टीम पर गर्व है। हम उनके साथ जश्न मनाने आए हैं। हम सब यहाँ मोरक्को के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। फीफा विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले फुटबॉल विश्व कप में मोरक्को की टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1986 में राउंड ऑफ 16 में पहुंचना था। सेमीफाइनल से पहले तक मोरक्को की टीम प्रतियोगिता में एक भी मैच नहीं हारी थी। ग्रुप स्टेज में मोरक्को ने कनाडा और बेल्जियम को मात दी, जबकि क्रोएशिया के साथ खेला गया मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इसके बाद मोरक्को ने प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन को पेनाल्टी शूटआउट में मात दी। क्वार्टर फाइनल में मोरक्को ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल को शिकस्त देकर इतिहास रच डाला। स्पोर्ट्स डेस्क डीडी न्यूज। स्पोर्ट्स डेस्क डीडी न्यूज। EFL के एक मुकाबले में न्यूकैसल यूनाइटेड ने बोर्नमाउथ पर रोमांचक जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। चौथे दौर के इस मुकाबले के अधिकांश समय तक दोनों टीमें गोल करने का प्रयास करती ही दिखाई दी। हालांकि 67वें मिनट में बोर्नमाउथ के स्मिथ ने गलती से गेंद को अपने ही गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। इस तरह न्यूकैसल ने मुकाबले को 1-0 से जीतकर अंतिम आठ में जगह बना ली। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।